छत्तीसगढ़ के कवर्धा में दो दिन पहले खौफनाक सड़क हादसा हुआ था। यह हादसा इतना भयंकर था कि इसमें एक से दो नहीं बल्कि 19 लोगों की मौत हुई थी। पूरे छत्तीसगढ़ समेत देश भर के लोगों ने घटना को लेकर दुख जाहिर किया था। इसके साथ ही 6 महीने पहले भी एमके न्यूज ने मॉल वाहक में सवारी ठूस ठूस कर ले जाने की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन ने कोई भी कदम नहीं उठाया, लेकिन अब कवर्धा जिले में मालवाहक के खाई में गिरने के कारण हुई मौत के बाद प्रशासन की भी नींद खुली है। कोरिया पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 4 मालवाहक पर चालानी कार्रवाई की। इसके साथ ही कोरिया पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने लोगों से सहयोग की अपील की है। कोई भी नियम के विरुद्ध सवारी लेकर जाता नजर आता है तो इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम में देने की बात की। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। कवर्धा में जो दुर्घटना संज्ञान में आई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी और ऐसा कोरिया जिले में ना हो, अन्यत्र भी ना हो ऐसी आशा है। कोरिया में ना हो इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के तारतम्य में यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की एक संयुक्त टीम बना करके हम लोग इस पे इनफैक्ट रात में भी हमने सोचा है कि आजकल चूँकि बारात का सीज़न वगैरह भी है तो कई बार बारात में भी ओवरलोडिंग करके और कई बार क्या होता है कि ड्राइवर भी शराब पी लेते हैं, तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसकी चेकिंग और तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।